बच्चों लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चे, आज हम फिर से अपने एक सेशन ले रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका सीट एलोकेशन प्रोग्राम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीट एलोकेशन प्रोग्राम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें बेटा हम लोग इजीली देख पा रहे हैं, हम लोग अपना सब्जेक्ट मैपिंग के थ्रू हम लोग बेटा यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। हेयर वी कैन से दैट कि हेयर वी कैन से दैट कि आपने जैसे अपना लॉग इन किया, आपके पास आपका सब्जेक्ट मैपिंग का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपके पास आपका जो सीबीएसई का स्कोर है बेटे वो पहले से लिखा हुआ आ रहा है। हमको बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग बेसिकली करनी है। यहाँ पे हमने पहले से सब्जेक्ट मैपिंग कर दी है। मान लेते हैं हमारे पास अगर ये सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जनरल टेस्ट, हमने पेपर दिए, तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमने मैप करना है कि इंग्लिश के साथ इंग्लिश कोर, इकोनॉमिक्स के साथ इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी ज्योग्राफी के साथ आपका ज्योग्राफी, होम साइंस का होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस, एंड जनरल टेस्ट के साथ कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग नॉट एप्लीकेबल करके उसको बेटे आगे प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में मूव करेंगे। जैसे हम प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में हम मूव करेंगे, हम देख पा रहे हैं जो बेटा हमारा सीयूटी का स्कोर था, हमारा सीयूटी का स्कोर हमारे जो बाकी सब्जेक्ट में जो आया वो हमारा यहाँ पे सब चीजों के साथ हमें यहाँ पे हमारा स्कोर दिख रहा है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इजिली देख सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी कोर्सेस हैं वो आपका आपके स्कोर के साथ खुद ही यहाँ पे इंटीग्रेट होके चल रहा है। हम यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि बीए साइकोलॉजी ऑनर्स में अगर जो बेसिकली बोला गया है, आपके साथ लैंग्वेज बोला गया और तीन डोमेन्स बोला गया है, तो उनको मिला के आपका ये स्कोर बन रहा है। एंड जो भी आपके बाकी अगर बीए बंगाली में ये, और जिन प्रोग्राम में आप एलिजिबल नहीं हो, आपको वहां पे दिख रहा है आप एलिजिबल वहां पे नहीं है। जैसे हम बात करें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, हमें दिख रहा है कि मैथमेटिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स था नहीं इसलिए यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो, बट बीए इंग्लिश के लिए आप एलिजिबल हो तो आपका स्कोर ये दिख रहा है। मीन्स आपके डोमेन्स और इंग्लिश। इन द सेम वे मान लेते हैं अगर स्टूडेंट को जर्मन, बीए ऑनर्स जर्मन के आना है, तो आपके आगे स्पेशल लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी टू, इट मीन्स आपका इस डोमेन्स और लैंग्वेज के साथ चीजें हो जाएंगी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जिस बच्चे ने लैंग्वेज में इंग्लिश रखा होगा। अगर सीट्स बचेंगी तो उसके बेसिस पे आपको एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी सेकंड मिलेगी। इन द सेम वे हमारे पास बाकी सब चीजें दिख रहा है। मेन अगर मैं जर्नलिज्म की बात करूँ तो बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में भी हमारे पास लैंग्वेज और तीन डोमेन्स को बेसिकली देखते हुए हम कर पा रहे हैं। इन द सेम वे ये हमारे बीए ऑनर्स साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस, सेम चीज हमारे कहीं ना कहीं साथ हमारे जा रही है। अब हम लोग थोड़ा ऐसा प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हमारे साथ कुछ और चीजें भी मैच कर सकते हैं। जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं बीए प्रोग्राम के लिए, हम बात कर रहे हैं तो अगर बीए प्रोग्राम के लिए हमारे पास हमारे डोमेन्स और लैंग्वेज को बेसिकली देख पा रहे हैं हम लोग, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि मैथमेटिक्स चाहिए, बीएससी ऑनर्स स्टैट्स में आप एलिजिबल नहीं हो, ऑल दो आपका इकोनॉमिक्स थी बट एलिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके यहाँ मैथमेटिक्स नहीं है। इन द सेम वे अगर हम लोग थोड़ा नीचे तरफ जाते हैं, नीचे में ये देखते हैं कि अगर फाइन आर्ट्स है, जैसे फाइन आर्ट्स के लिए अगर आपको जाना है तो आपके पास इंग्लिश और जनरल टेस्ट का ही स्कोर देखा जाएगा। जर्नलिज्म अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ जर्नलिज्म में आपको चीज देखनी है तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट बेसिकली आपका देखा जाएगा। बीएमएस में हम लोग एलिजिबल नहीं है। डीएलएड के लिए जैसे अगर अगर किसी बच्चों को स्पेसिफिकली टीचिंग के लिए जाना है, टीचिंग के लिए जाना है तो आपको बेसिकली बीएलएड के लिए जाना पड़ेगा, बीएलएड के लिए आपको जाना पड़ेगा। एंड एंड आपका डोमेन्स और लैंग्वेज को बेसिकली लेते हुए यहाँ पे स्कोर कैलकुलेट हो रहा है। तो ये सब प्रेफरेंसेस है जिनको हम लोग इजिली हम देख सकते हैं। देन वी हैव टू मूव टूवर्ड और प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। जैसे बेटे हमने यहाँ पे मूव किया, बेटे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये सारे 4, 1084 कोर्सेस आपके आगे दिख रहे हैं जहां पे आप एलिजिबल हो। इट मे वेरी फ्रॉम 1% टू अनदर पर्सन। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट है, स्टूडेंट को टीचिंग में जाना है, उनको बीएलएड के लिए जाना है, तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आ रहे हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में भी सजेस्ट किया था, आपको कोर्स कॉलेज दोनों को साइमल्टेनियसली देखते हुए चलना चाहिए। पहली प्रायोरिटी मैं कोर्स को जरूर दूंगा क्योंकि कोर्स के बेसिस पे मेरा कॉलेज होना चाहिए। एंड कॉलेज को और कोर्स को अगर मैं डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करूंगा, कॉलेज और कोर्स को अगर मैं डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं इजीली देख सकता हूं कि हमारे पास क्या सिचुएशन रहेगी।
हमारे पास ये सिचुएशन रहेगी कि हमें पहले नॉर्थ कैंपस, अगर हम देख रहे हैं तो नॉर्थ कैंपस के कोर्स और कॉलेजेस, नॉर्थ कैंपस के कोर्स और कॉलेजेस, देन साउथ कैंपस के कोर्स एंड कॉलेजेस, देन आउटर साइड के हमारे कोर्स एंड कॉलेजेस को हमको हम लोग देखते हुए फोकस करते हुए चल सकते हैं। तो मैं आपको इस तरह से एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि मेरी प्रायोरिटी टीचिंग है, तो टीचिंग में जब मैं बीएलएड के लिए मैं जाऊंगी, तो बीएलएड के लिए क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करते ही मैं यहाँ पे जाके अप्लाई फिल्टर कर रहे हैं। जैसे अप्लाई फिल्टर करें, देखो हमारे पास 8 यहाँ पे कॉलेजेस रह गए हैं कि बीएलएड आपका 8 कॉलेजेस में है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने अपने ब्रोशर में भी यहाँ दिखाया हुआ है कि आपके पास बीएलएड के अंदर आपके पास ये 8 कॉलेजेस हैं। विल शो यू, हियर वी कैन सी अदिति महाविद्यालय, गार्की इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जीसस एंड मैरी कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, माता सुंदरी, मरियाना मरियाना हाउस, एंड यू कैन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नाउ अब मेरे पास ये प्रेफरेंस है और ये प्रेफरेंस मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे भी दिख रही है। तो अब मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है? अब प्रायोरिटी देने का काम हमारा आगे है। लेट से डेट हमने ये सारे आपके डाल दिए, सारे यहाँ पे डाल दिए, लेट से। नाउ अब प्रायोरिटी मुझे देनी है, मैं 7 को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ सर? जीसस एंड मैरी को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो सर मैं यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1 लिख के इसको हम ओके कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 लिख के ओपन कर सकते हैं। तो हमने देखा तो जीसस एंड मैरी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा आ गया। अब मैंने बोला सेकेंड प्रेफरेंस मेरा लेडी श्रीराम कॉलेज है, तो लेडी श्रीराम कॉलेज को सेकेंड प्रेफरेंस पे लिखा। तो जैसे हमने ओके किया, देखो और ऊपर आ, इन द सेम वे मैं कह रहा हूँ मिरांडा हाउस को हम लोग थर्ड प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो थर्ड में डाल के हमने इसको ओके कर दिया। अब इसी इन सेम वे मुझे लगता है कि मुझे माता सुंदरी को नीचे करना चाहिए, तो यहाँ से मैं श्याम प्रसाद मुखर्जी को ऊपर कर सकते हैं। इवन इंस्टीट्यूट गार्की कॉलेज को मुझे ऊपर करना है, तो यहाँ से मैं अप डाउन के टॉप को लेते हुए हम लोग मूव कर सकते हैं। इन दिस वे हम लोग स्पेसिफिक टू कोर्स भी हम लोग अपने ऑप्शन भर सकते हैं। लेट से डेट अगर इसके साथ साथ अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में जाना है, तो मैंने यहाँ पे जाके अप्लाई पर किया, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ 46 प्रेफरेंसेस आ गए। तो इसको तो इट मींस मैं कोर्स कॉलेज सब चीजों की प्रेफरेंसेस लेते हुए हम लोग यहाँ चल सकते हैं। इसी वे में बेटा आपको अपने ऑप्शंस को भरना है, जो मैं आपको लास्ट हमने क्लास में हमने डिस्कस किया। तो जैसे ही अब हमने चीज कुछ मान लीजिए हमने किया, मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद मुझे बाकी चीजें भरनी है, तो सेव चेंजेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेव चेंजेस किया तो अब हमारे पास आगे ऑप्शन भी आ गए हैं, देन ये सेव हो गया है, देन वी आर सेइंग मूविंग फॉर दी प्रीव्यू के लिए, सबमिट प्रेफरेंस शीट के लिए। अभी हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे और भरने हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कोर्स में और स्पेसिफिक कोर्स स्पेसिफिक कॉलेज हम लोग ऑप्शन भर सकते हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। बच्चों इजीली देख सकते हैं, पहले हमारे पास 1084 ऑप्शंस थे, हमने 8 प्रेफरेंस इधर आ गए, इट मींस अब हमारे पास 1076 प्रेफरेंस रह गए। नाउ अब हम मानते हैं लेते हैं लेट्स से दैट हमें बीए इंग्लिश मेरी और प्रायोरिटी है, तो बीए इंग्लिश को लगाया मैंने, हमने बीए कार्य लगे अगेन। तो हमारे देखो हमारा हम लोग पहले सेव कर चुके थे, तो हमारे पास वो सेव चीज आ रही है। अब लेट से दैट हमारी इंग्लिश एक प्रायोरिटी है, तो बीए इंग्लिश ऑनर्स ये आ रहा है। मैंने इसके बाद हमने क्या किया, हमने अप्लाई फिल्टर किया, इट मींस 48 अगेन चॉइसेस है। तो 48 चॉइसेस को अगेन हमें डिवाइड कैसे करना चाहिए? हमें डिवाइड करना चाहिए, अरे की प्रायोरिटी है कि नॉर्थ कैंपस मिले, तो नॉर्थ कैंपस को हम लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेट्स से दैट दौलतराम वुमेन्स कॉलेज हमारी प्रायोरिटी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब हम लोग अपने बीलेट हमारे लिए प्रायोरिटी थी ना, तो अगर हम टॉप पे डालेंगे, अगर हम टॉप पे डालेंगे तो ये अगेन सबसे टॉप पे चलेगा ना, मगर हमारी प्रायोरिटी तो हमारी बीलेट थी, सो इट मीन्स 8 तक हमारे बीलेट कॉलेज आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ प्रेफरेंस 9 देता हूँ, सो डैट ये यहाँ पे आ जाए। देखो 9 नंबर प्रोग्राम दिख रहा है। अब नाउ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की मेरी अगर प्रायोरिटी है, तो इसको बॉटम में डाल रहा हूँ, सो डैट ये
टेंथ नंबर पे, यहाँ पे टेंथ नंबर पे आ गया। इवन इवन से दैट कि यहाँ पे हम देख सकते हैं बाकी कॉलेजेस आ रहे हैं हमारे पास। हमने हंसराज कॉलेज भी हमारी प्रायोरिटी हो सकता है नॉर्थ कैंपस, तो हमने को बॉटम में डाल दिया। देन हमने हिंदू कॉलेज भी यहाँ डाल रहे हैं, हमने इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन्स भी यहाँ पे हमने डाला, जीसस एंड मैरी कॉलेज भी हम लोग डाल रहे हैं, हमने यहाँ पे करोड़ी मल को भी हमने यहाँ डाल दिया, लेडी श्रीराम कॉलेज भी हमारी प्रायोरिटी है। तो ये सारे हमारे कॉलेज जो है हमारे ऑप्शंस में जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। इवन वी से दैट अब इसी में हम थोड़ा कुछ कॉलेज और डाल लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग अपने प्रेफरेंस बाद में सेट कर लेंगे। लेट्स से दैट गुरुदेव गुरु नानक देव खालसा कॉलेज को भी हमने डाल दिया, सेंट स्टीफन्स कॉलेज जो कि बहुत बढ़िया कॉलेज में आता है, तो इसको भी हम लोग मतलब प्रेफरेंस देते हैं। लेट्स से दैट अगर मैं सेंट स्टीफन मिल जाए ना, तो मैं बीएलएड भी नहीं करेंगे, तो सर हमारे लिए हमने प्रेफरेंस डाल दिया इसको वन। ओके देखो ये यहाँ पे नंबर वन पे चलेगा, ठीक है। इजिली वी कैन सी दैट। और वीक स्वामी श्री वेंकटेश्वर कॉलेज वहाँ पर अच्छी प्रेफरेंस है, हमने देख के डाल दिया। तो ये सब कॉलेजेस हैं। अब लेट्स अब मेरी एडवाइस ये रहेगी, सारे कॉलेजेस डालो स्पेसिफिक टू कोर्स, अगर आपकी कोर्स अगर आपकी प्रेफरेंस है ना। अब सर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यार मुझे लग रहा है कि रामजस कॉलेज मुझे करोड़ी मोल से ऊपर रखना है, तो सीधा अगर मैं 16th नंबर यहाँ प्रेफरेंस डालेंगे, तो 16th नंबर प्रेफरेंस पर हम यही डालते हैं। तो देखो 16th नंबर पे हमारा रामजस कॉलेज आ गया, बाकी सारे कॉलेज हमें उसके बाद में दिख रहे हैं ना। अब सर अब आई एम जस्ट सेविंग दी चेंजेस, यहाँ सेव कर दू। अब हम कहते हैं कि सर अब मेरा यहाँ पे देखिए 35 चॉइसेस रह गई, अभी भी हम डाल सकते हैं, तो आई विल से आप बाकी भी डाल दीजिए ना। आई एम जस्ट गिविंग वन मोर एग्जांपल, लेट्स से दैट आपको ये सारे देखो मेरे। अब हमारे पास बीए प्रोग्राम वाले ऑप्शन भी नीचे आ रहे हैं, बीए प्रोग्राम वाले ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो बीए प्रोग्राम में हमने बोला कि हमारी प्रायोरिटी लेट्स से दैट इंग्लिश, लेट्स से दैट ज्योग्राफी से इंग्लिश मेरी प्रायोरिटी है। तो मैंने इसको जैसे यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे जाके हम अप्लाई फिल्टर लगा, तो देखो एक ही प्रेफरेंस आ रही है मेरा, कौन से मेरा डाउन, तो इसको हम डाल लेते हैं। इन द सेम वे हम लोग प्रोग्राम स्पेसिफिक भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं फिल्टर लगा के। अगर कहते हैं नहीं सर मुझे कॉलेज स्पेसिफिक जाना है, तो पहले हम कॉलेज ढूंढते हैं। तो लेट से दैट हमने कॉलेज ढूंढा अपना सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज पे जाके हमने अप्लाई किया, तो मुझे दिखता है सर चार जगहों पे हम लोग अवेलेबल, चार प्रोग्राम वहाँ पे हम डाल सकते हैं। सर एक बी ए प्रोग्राम दिख रहा है, हिस्ट्री दिख रहा है, फिलोसफी दिख रहा है, संस्कृत दिख रहा है। सर संस्कृत मैं नहीं ले रहा, हमें नहीं लेना, हिस्ट्री कहीं ना कहीं हम ले सकते हैं, हिस्ट्री भी मेरी प्रायोरिटी है, बट उससे बढ़िया मेरी प्रायोरिटी क्या थी, इंग्लिश थी जो मैं ऊपर कर चुका था। हमने कहा बी ए प्रोग्राम की प्रायोरिटी है, हमने इसको भी प्रायोरिटी पर डाल दिया, मगर हमारे वो इतनी बढ़िया प्रायोरिटी नहीं है जिसपे हम लोग रेदर देन वी कैन से बी एल एड और इंग्लिश ऑन हमारी प्रायोरिटी जा रही है। और हमने कहा फिलोसफी, चलो फिलोसफी भी हमारी कहीं ना कहीं इंग्लिश में डाल लेते हैं, तो हमने यहाँ पे डाला। तो इट मीन्स ये देखिए कि फिलोसफी बाकी सब प्रोग्राम्स में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब हमें ये था, विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज विद रिस्पेक्ट टू कोर्स हम दोनों चीजों को डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग प्रोसीड टू व्यू प्रेफरेंस पे हम जाएंगे। अच्छा ये आप कह रहे हैं सेव करने को, तो पहले हम सेव कर लेते हैं, देन हम लोग व्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे जा रहे हैं। इट मीन्स अभी तक आप इतने कोर्स भर चुके हैं, द सेम वे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक के साथ आपको भर रहे हैं। गुड डेवलपमेंट। हाँ।